अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत, यो सैल अफगान। तो भाई साहब, आप लोगों के लिए वीडियो है, कौन सी वीडियो है? मैं कुछ कहने वाला था, तुम दरमियान में आ गए भाई। सॉरी सॉरी, मैच हम लोगों ने जीता है और बातें कोई और। मैंने तो भी एक कम के जो मैच एक्सप्रेस जीता है ना, आप लोग बुरा मत मानो, एक वीक तक तो हम लोग इस पे बात करेंगे यार, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी मैच, बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी कह सकते हो या खुशी कह सकते हो, मतलब खुशी की अपॉर्चुनिटी है भाई। मतलब एक तरह का ईद आ गया भाई अफगानियों के लिए, क्योंकि अफगानी मैं पिछली मीटिंग पर हम लोग हमारे देखिए खुशी कैसी होती है, क्या चीज होती है, क्योंकि सारे 42 जनरेशन तो इसमें गुजर गए कि लड़ाया ही लड़ाया तुम्हारी। चलो तो भाई साहब, वही क्रिकेट से रिलेटेड बात करेंगे। देखते हैं कि अफगान्स वेव इंडियन ट्राइकलर इन सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, फॉर्मर पाकिस्तान दानियल के अगेन क्या हुआ है, बात करेंगे। देखते हैं क्या सीन है अगेंस्ट पर वर्जन मॉडल, जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में, जो कह रहा है करें उसे लाइक क्या करें, अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। अफगानिस्तान हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बेबी, दिस इज अफगानिस्तान। सर खून जल रहा है बहुत से लोगों का इंडिया और अफगानिस्तान के झंडे एक साथ देख के। अफगानिस्तान की टीम की 21 रनों की शानदार जीत ने पूरे अफगानिस्तान में जोश और उत्साह भर दिया। ओह यार, अरे कितनी औसम है, क्या आपका बड़ा भाई है हराएगा? मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके। राजधानी काबुल तो काबुल, यहाँ तक कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले प्रांत होस्ट में भी जश्न की शानदार तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस वक्त अफगानिस्तान टीम ज्यादा गेयर लग रही है, जेल लग रही है। सर देखिए, आज अफगानिस्तान इंडिया के कितना क्लोज जा चुका है कि अपनी जीत पर लाखों लोगों ने इंडिया का झंडा लहराया। अफगानिस्तान की इस जीत से भारत में भी उत्साह है। क्यों? इसके पीछे भारत के क्रिकेटर अजय जडेजा का भी हाथ है। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। जिन्होंने बिना पैसे इस टीम की कोचिंग की। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे, वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है भाई। आज यार ये पूरा हो तो नाचने के लिए दे दो भाई, कितना जे बंदा सुकून मिलता है ना, बहुत खुशी मिलती है। आज इंडिया को हरा दे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो मजा आएगा भाई। भैया जितनी खुशी मुझे इंडिया की पाकिस्तान की जीत पे हुई थी, उतनी खुशी मुझे उतनी खुशी अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की जीत पे हो रही है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान टीम का अपमान किया था, सीरीज खेलने से मना कर दी थी इनके साथ, आज अफगानिस्तान ने उसका बदला ले लिया। यही तो कयामत है। हालांकि क्रिकेट बाय चांस होता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हारता, लेकिन जो भारतीय टीम की अभी तक की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से भारतीय टीम खेलती आ रही है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि भारत की टीम भी ऑस्ट्रेलिया को पेल लेगी। उसका रीजन एक और भी है जिसको सुनकर आप भी बोलोगे हाँ भारत ऑस्ट्रेलिया को पेल देगी, वो ये है कि भारत हरी जर्सी वालों बांग्लादेशी भी पहले गए, पाकिस्तानी भी पहले गए, अब ऑस्ट्रेलिया की भी ग्रीन जर्सी है तो ऑस्ट्रेलिया भी पहला जाएगा। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे बाद में, आज बात करेंगे अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान वालों ने हम हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्योंकि जब अफगानिस्तान वाले जश्न मनाने रोडों पे निकले ना, तब वो अफगानिस्तान के झंडे के साथ में हिंदुस्तान का झंडा भी लेके निकले। क्यों प्राउड मूवमेंट है कि नहीं है बताओ मेरे को? और सबसे ज्यादा अगर किसी की जली है तो वो जली है पाकिस्तानियों की। उनकी तो सूझ गई है, हलवा पकाओ। खैर इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो कजन ब्रदर है उसका इंटरव्यू है, उसको देखने के बाद में आपको और भी मजा आएगा कि अफगानिस्तान हिंदुस्तानियों के बारे में सोचता क्या है, अफगानिस्तान की टीम हम हिंदुस्तानियों के बारे में क्या सोचती है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न का समा है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं पटाखे जलाए
किए जा रहे हैं, लेकिन एक अनोखा सीन भी हमारे नजरों के सामने से गुजरा कि अफगानिस्तान की आवाम जब रोड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आई तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। ये जो वर्ल्ड कप है हमेशा याद रहेगा कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत बड़ी टीम को हराया, 127 पे पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया और ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचेगी। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि इंडिया भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को हराए। आज का शो मेरा ज्यादातर अफगान कम्युनिटी के साथ है, इनसे बात करेंगे, पख्तूनों से बात करेंगे, क्या कहेंगे अफगानिस्तान की इस जबरदस्त जीत पे? हम बहुत खुश हैं कि अफगानिस्तान ने मैच जीता है और ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल मतलब अच्छा सा एफर्ट किया। ये जो है अफगानिस्तान के जो टीम मेंबर्स हैं उनके जी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ तस्वीरें भी मैं होम स्क्रीन पे जो है प्ले कर रही हूँ। तो अयाज क्या कहेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, तारीखी विक्ट्री है जी, अफगानिस्तान ने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया और बहुत बुरी तरह हराया, 127 पे ऑल टीम बुक। वो जीते अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, हम बहुत खुश हुए पूरे अफगानिस्तान। नहीं पश्तो में नहीं उर्दू में बात करनी है सारी। यार खुदा द खुम लग तमाना पख्तना खुनूर से बल सवाल खूब का बल सवाल भी को सवाल भी दूसरा सवाल भी करती हूं। रुको मुझे ये बताओ कि आपको क्या लग रहा था, क्योंकि आप अफगानिस्तान से अफगान टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद को कहते हैं बहुत पावरफुल टीम है वो, तो अफगानिस्तान के साथ बाबर सीरीज कैंसिल करता रहो। साथ साथ एक चीज आपने नोटिस की, जब गुरबाज को आउट किया उस टाइम जो है स्टोनिक ने बहुत बुरी तरह इशारा दिया था और कुछ मुंह से भी बोला था, वो क्या था? तो फिर आपने गुलबदीन को देखा नहीं, जो उसको स्टोनिस को आउट किया, जो उसने ये किया है वो भूल गए, बस सारे गुरबाज को देख रहे और स्टोनिस को नहीं देख रहे। देख वो लोग सीरीज कैंसिल कर रहे थे, वो डर रहे थे क्योंकि इस टाइम जो वर्ल्ड में जो स्पिनर्स बॉलर है ना वो अफगानिस्तान के साथ, वो सारे डर रहे थे उनके साथ। और ये नहीं कि वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से डर रहे थे, अफगानिस्तान बहुत तगड़ी टीम है, उस लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3-4 दफा सीरीज किया, उन लोगों ने कैंसिल कर दी, वो डर रहे थे। देख आज उनका पता चला ना कितना पावरफुल टीम था, पता चला ना। तो इंडिया की भी बड़ी मदद कर दी है, इंडिया के छोटे भाई अफगानिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब तो जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की जो पावर है और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ये इंडिया तो इतना खुश, मैं पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ इंडिया इतना खुश है ना, क्योंकि अगर अब दूसरा मैच है ना बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान जीत जाते ना बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा, सेमीफाइनल में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया उधर घर चले जाएगा, बांग्लादेश उधर घर चले जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है इसी मैच के रिलेटेड से कि अफगानिस्तान के लोग बहुत ही खुश है, वो छोटी छोटी चीजों से भी बहुत खुश होती है क्योंकि हमारे कंट्री में और कुछ है ही नहीं भाई, यही क्रिकेट रह गया, एक फुटबॉल है, एक दो तीन प्लेयर हमारे बॉक्सिंग खेलते हैं, बॉक्सर्स वगैरह है, बस इसी के लोग खुश हो जाते हैं भाई। तो ये क्रिकेट को बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं, बहुत ही देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जिस टीम को हराई है, अब पाकिस्तान में अफगानी रहते हो या किसी दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो तो लोग बहुत ही खुश होते हैं, बहुत बड़ा जीतता है, बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा जीत। और जहाँ तक उसकी बात है, ये जो फ्लैग की बात है, झंडे की बात है, इसलिए कि अभी उठाया है, पहले से ही पाकिस्तान के लोग इंडिया को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पता है ना, बहुत सारे भी लोग आते हैं वीडियोस, हम लोगों ने बहुत सारी बातें चेक कर सकते हैं नीचे, बता है इसके बारे में। बाकी ये मैच तो हमारे लिए बहुत बड़ा मैच था और हम जीते हैं और ऐसे जीते हैं कि बिल्कुल दिल दिल खुश हो गया भाई, देख देख दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो रहा है, गार्डन गार्डन हो गया दिल भाई। बाकी अगर पसंद आए प्लीज रोज नो बोर शो साथ में जो मिला है करें लाइक जरूर करें, तब तक के सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।